नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑर्टरिंग पर। हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बड़ी खबर। ये खबर जुड़ी है कांग्रेस की मैराथन रैली से जो कि बरेली में आयोजित कराई गई थी। जी हाँ, इस रैली में मत जाती है भगदड़, क्योंकि अव्यवस्था के चलते कई लोगों की भीड़ बढ़ती है और इस भीड़ को संभाल पाना हो जाता है मुश्किल, जिससे मचती है ये भगदड़। हादसे के बाद सड़क पे कई सारे जूते चप्पल छात्राओं के नजर आते हैं और इसमें कई छात्राएं चोटिल भी हो जाती हैं। कांग्रेस ने इस घटना को एक साजिश का नाम दे दिया है। उसने कहा कि हो सकता है कि जनाधार बढ़ रहा है कांग्रेस का और इसलिए ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, ये एक साजिश भी हो सकती है। होता यूँ है कि कांग्रेस ने ये जो मैराथन आयोजित किया था उसके पीछे का जो एक थीम था वो था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इसलिए उन्होंने कई छात्राओं को बुलाया था इसमें भाग लेने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए। और जब भीड़ बढ़ते जाती है तो अव्यवस्था हो जाती है, जिसके चलते ये भगदड़ हो जाती है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर कुछ बयान दिए हैं, जो जिनमें से कुछ बयान तो कतई बेतुका भी रहे हैं। जैसे कि सुप्रिया एरेन, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही में वो पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि जब वैष्णो देवी जैसे जगह पे, वैष्णो देवी में जब ये घटना हो सकती है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं, ये तो इंसानी फितरत होती है। ऐसी बात कही उन्होंने, ऐसी बेतुका बयानबाजी करी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाधार बढ़ रहा है तो ये साजिश भी हो सकता है। उन्होंने मीडिया कर्मी से और बच्चियों से माफ़ी भी मांगा। फिर आता है कि इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो कि फिर भाजपा के लोगों ने भी कहा कि जब खुद वो आयोजन संभाल नहीं पाए तो इसे एक साजिश का नाम दे दिया। जब भीड़ संभाल नहीं सकते थे तो इतनी भीड़ इन्हें इकट्ठा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा बताया गया कि जो भी छात्राएं घायल हुई थी घटना के दौरान, उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए, तीन छात्राओं को तो तुरंत ही 108 के एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया और बाकी के जो छात्राएं चोटिल हुई थी उन्हें जिला अस्पताल में ले जाने का प्रबंध कराया गया। और फिर इस हादसे से हम ये भी समझ लेते हैं कि जब भी भीड़ जहाँ होती है हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रह के उसमें प्रतिभाग करनी चाहिए। हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ, जब भी ऐसी ऐसी जगहों पे हम जाते हैं तो हर बात पे, छोटी बात या कोई भी ऐसा अगर घटना हो जाए तो इसके लिए सबकी जिम्मेदारी, व्यवस्था प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, कहीं ना कहीं हम भी इन चीज़ों के लिए कि भगदड़ में ऐसी जब बातें होती हैं इन जगहों पर, तो हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो जितनी भी बच्चियों को चोट लगी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसके लिए अब कांग्रेस जिम्मेदार या कौन जिम्मेदार इस बात के लिए कि आखिर इसके पीछे, घटना के पीछे साजिश क्या थी, पूछताछ और छानबीन जारी है। बने रहे हमारे चैनल दी ऑर्डर के साथ। धन्यवाद।